हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास 4, यूनिट 5, एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अब FA2 का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। ओके स्टूडेंट, जो यूनिट 5 है ये FA2 में आती है, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह ध्यानपूर्वक समझे, देखें, करके देखें, ताकि आने वाले समय में आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी सम। स्टूडेंट, अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन किए जिनमें एक ही साइन होता था, या तो प्लस का या माइनस का, है ना, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। लेकिन जो ये एक्सरसाइज है इसमें कुछ साइन एक साथ होते हैं, एक से अधिक होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको एक रूल समझना होगा, ठीक है जी। एक रूल है जिसका नाम है बोर्ड मास, ठीक है जी। तो उस रूल को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहाँ पे आपको समझाएंगे, बताएंगे, उसे आप ध्यानपूर्वक समझ लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से अधिक साइन आते हैं, चिन्ह आते हैं, तो उन्हें कैसे करें, ठीक है जी। तो देखिए, नियम की जो रूल है उसका नाम है जी बोर्ड मास, बी फॉर ब्रेकिंग, ओ फॉर ओ, डी फॉर डिविजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, ब्रेकिट इस तरह के होते हैं, ये तीन तरह के ब्रेकिट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिए हुए हैं, सबसे पहले आप इन्हें ही सोल्व करेंगे। मान लीजिए 5 ये दे दिया, ये ब्रैकेट में है, और भी है इधर मल्टीप्लाई या कुछ भी है स्टूडेंट, है ना, कोई भी डिजिट है, तो आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कि 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होता है, फिर उसके बाद ओ, ओ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में ओ भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकती है ना। तो आप सबसे पहले ओ वाली मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ठीक है जी। और डी फॉर डिवीजन, यानी कि डिवाइड। ओके स्टूडेंट, ये इसका साइन होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये भी मल्टीप्लाई का साइन है। एडिशन, तो स्टूडेंट ये आपका एडिशन का साइन है, जिसे आप प्लस भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं, है ना, ऐड भी कहते हैं। अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन का चिन्ह होता है, साइन होता है, इसे आप माइनस भी कहते हैं, घटा का चिन्ह भी कहते हैं, है ना। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये सारे चिन्ह है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, तो स्टूडेंट में कहीं भी है, तो सबसे पहले आप इस नियम के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे। वैसे स्टूडेंट आपके इसमें सिर्फ 2 ही हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपका आपके जो रूल है वो सिर्फ इतना ही है, आपकी जो ये एक्सरसाइज है 5.3, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ही है, उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ और ब्रैकेट नहीं है, ठीक है जी। तो आपका जो रूल है सिर्फ इतना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको 2 तरह के साइन मिलेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको ऐड करना है, कैसे करना है वो अभी हम आपको समझाते हुए चलेंगे, है ना, और ये उसके बाद में आपको माइनस करना होता है, ठीक है जी।
तो ये जरूरी था, सबसे पहले आप इसे ध्यान दें और ये स्टूडेंट आगे तक चलेगा, यानी कि एक्सरसाइज 8 तक चलेगा ये रूल। ये आप बढ़ता हुआ चले जाए, देखो देखो पहले आपने ऐड के सवाल किए, ये तो अकेला था, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किए, दो हो गए, तो अब दो के नियम आ गए, फिर आप मल्टीप्लाई का करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, फिर आप डिवाइड का करेंगे तो डिवाइड भी ऐड हो जाएगा, है ना। और स्टूडेंट इन्हीं में ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे डिवाइड तक ही, ठीक है जी। तो स्टूडेंट याद रखें, सबसे पहले आपको प्लस करना है, उसके बाद आफ्टर देन सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है, ठीक है जी। तो हम इसे क्लियर कर देते हैं, ये आप लिख के देख लेना, बस इतने सी बात याद रखनी कि भाई पहले तो प्लस करेंगे और उसके बाद आप माइनस करेंगे, ठीक है जी, बस थोड़ी सी बात याद रखनी। फाइंड दी सम, तो स्टूडेंट आपको अब तीन नंबर दिए गए हैं, जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, जो बीच में प्लस का चिन्ह है और बाद में माइनस का चिन्ह है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, पहली जो दो डिजिट है इन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है, और ऐड करके और फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपको जो लास्ट वाली डिजिट है उसे माइनस करना है, क्योंकि हमारा बोर्ड मास का नियम क्या था जी, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद हम माइनस करेंगे, बस यही बात याद रखनी है इस एक्सरसाइज में आपको, पहले ऐड करना है बाद में माइनस करना है, ठीक है जी। तो हम एक रफ कॉपी ले लेंगे स्टूडेंट और उस पर यहाँ एक वर्ग का चिन्ह लगा के अब इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो हम इधर ऐड कर लेते हैं 4, 5, 3, 2, 3। अब स्टूडेंट वंस की साइड से लिखना शुरू करते हैं 3, 7, 6, 5, 8, ठीक है जी, ऐड कर लीजिए 3, 3, 6, 7, 2, 9, 6 और 3, 9, 5, 5, 10, कैरी 1, 8 और 1, 9, 9 और 4, 30। तो स्टूडेंट हमने ये रफ कॉपी के पे कर लिया, ठीक है जी। यहाँ एक इक्वल का चिन्ह लगाया और जो भी आंसर आएगा इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये आंसर आया उसे हम यहाँ लिखेंगे 1, 3, 0, 9, 9, 6, ठीक है जी। अब स्टूडेंट जब ये दोनों हमने सोल्व कर लिए तो अब ये दोनों डिजिट खत्म हो गई, इनका आंसर आ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, -5, 5, 4, 3, 2 बच गया। ओके स्टूडेंट, अब इसे इसमें से हमें माइनस करना है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 5, 0। अब स्टूडेंट इसे आप माइनस कर लीजिए, ठीक है, 6 में से 2 माइनस कर दिए 4, है जी, 9 में से 3 माइनस कर दिए 6। अब स्टूडेंट आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 3 से आगे काउंट कर सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 3 और 3, 6, देखो 6 बच गया, 9 में से 4 माइनस कर दिए 5। अब यहाँ पर 0 है तो 0 में से 5 माइनस नहीं होने गए, इधर से कैरी ले लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए तो स्टूडेंट 5 आपके पास बच जाएंगे। अब यहाँ रह गए 2 में से 5 नहीं जाने के तो एक कैरी इधर से ले लिया, तो स्टूडेंट यहाँ कितने हो गए 12। अब 5 से आकर काउंट कर लीजिए, 5 से आकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितने हो गए स्टूडेंट 3 और 3, 6 और 1, 7। तो स्टूडेंट यहाँ 7 रह गए, यहाँ रह गई थी 0 और 0 में से 0 गए 0। तो स्टूडेंट अपने जो माइनस का क्वेश्चन है उसे आप चेक कर सकते हैं सही है गलत है, कैसे, जो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रेड होता है और डिफरेंस होता है उन दोनों को ऐड कर दो, जो मैन्यू आएगा वही, अगर यही आंसर आता है तो ठीक है 4 और 2, 6, 6 और 3, 9, 5, 4, 9, 5, 5, 10 की 0, 1,
और जी 8 और 5 13, तो 13 का 13 आ गया। तो स्टूडेंट ये यार इसका आंसर है, तो आंसर को इक्वल लगा के यहाँ लिख देंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे किया हमने। क्वेश्चन नंबर 2B, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आपको ये कंपैरिजन करना क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में बोर्ड मास के अनुसार पहले ऐड था, ठीक है जी, प्लस का चिन्ह है पहले, बोर्ड मास का नियम को फॉलो कर रहा है अपना आप ही। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर बी है इसमें यहाँ पे माइनस है, ये बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करता, करता तो नहीं क्योंकि यहाँ पहले क्या होगा आ गया, माइनस आ गया। तो स्टूडेंट अगर पहले माइनस आ जाता है तो हमें यहाँ पे पहले प्लस वाली डिजिट लानी होती है। हम देख लेते हैं लास्ट में कौन सी डिजिट होती है। स्टूडेंट जो ये डिजिट है 4395, तो पहले तो चिन्ह लगा होता है उसके बाद में डिजिट लिखी होती है, तो ये माइनस की डिजिट है। ये जो माइनस का चिन्ह है ना वो इस डिजिट के साथ है, ये जो प्लस का चिन्ह है ये 8342 के साथ है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, है ना। और जो 1604 है तो ये माइनस की डिजिट है, तो ये जो चिन्ह है इसका होता है, और जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होती वो स्टूडेंट वहाँ पे प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है, ठीक है जी। जैसे इसके आगे कोई भी डिजिट के आगे, नंबर के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, ना प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट ये प्लस है, ठीक है जी। तो आपको ये समझ गए होंगे अगर आप इस डिजिट को उठा के कहीं भी ले जाते हैं 1604 को, तो ये चिन्ह इसके साथ ही जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे यहाँ शुरू में प्लस ना हो, तो हमें पहली डिजिट के साथ में प्लस वाली डिजिट को प्लस करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये डिजिट है इसे सेम की सेम लिखेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होने की, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस वाली डिजिट को इसके साइन सहित आगे ले आएंगे, क्योंकि हमें प्लस करना और प्लस का चिन्ह इसके साथ है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाली डिजिट तो हम यहाँ लेंगे, तो ये वाली बाद में चली जाएगी, तो जी ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये बोर्ड मास के अनुसार हो गया जी, पहले प्लस फिर माइनस, माइनस अगर डबल है माइनस तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही होंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर पहले यहाँ पे शुरू में माइनस का चिन्ह है तो आपको प्लस वाली डिजिट को इसके साथ प्लस करनी, पहले नंबर पे जो डिजिट है, ठीक है जी। ये नहीं कि भाई पहले प्लस करना था, बोर्ड मास का नियम है पहले प्लस करना, आप इन दोनों को ऐड कर दें कि भाई ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट के बीच में साइन है प्लस का, इन दोनों को ऐड कर दें। लेकिन इससे पहले माइनस का भी तो चिन्ह है ना, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते, प्लस प्लस के साथ ही ऐड होंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 2437, है जी 2438। स्टूडेंट ये लिखना उतारना इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ये बात आपको समझनी ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। अब 7 2 9, 3 4 7, और 4 3 7, 8 2 10, ये आ गया, ओके स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार में एक ही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है, और बाकी सब सेम ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या करा, हमने ये प्लस किया,
और सबसे पहले हमें प्लस ही करना। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद इनका आंसर ये आ गया, तो इस आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे 10779। अब हमारे पास ये डिजिट बच गई जो हमने कुछ नहीं कहा, नहीं यहाँ पे ऐसे सेम के सेम लिख देंगे। ठीक है जी, लिख दिया, जो भी इन दोनों को ऐड करके आंसर आया उसे हमने स्टूडेंट यहाँ लिख दिया। ये अंडरलाइन हमने इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने इसी डिजिट को प्लस किया। ठीक है जी, अब प्लस के बाद में स्टूडेंट माइनस का चिन्ह है, तो हम इस वाले डिजिट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जी करो 4061, अब यहाँ कुछ नहीं है लगा देंगे। 9 में से 4 माइनस कर दिया 5, 7 में से 0 माइनस कर दिया 7, और 7 में से 6 माइनस कर दिया 1। अब इधर 0 है तो इधर एक ले लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस कर दिया जी 9 हो गया, और यहाँ रह गई थी 0, 0 में से 0 गया 0। तो स्टूडेंट ये आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ एक बार का चिन्ह लगाएंगे हम। अब इन दोनों को हमने माइनस किया, ओके स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में हमने इन्हें माइनस किया, तो हम इन्हें यहाँ पे लिख देंगे 9175। जीरो का कोई मान नहीं होता, जहाँ कोई डिजिट नहीं होती वहाँ जीरो ही होती है, तो इसलिए 6 से जीरो को लगाए बिना। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या बचगा, -4395 ये रह गया। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे इसमें से माइनस कर लेंगे 5934 माइनस कर लो, 5 में से 5 गए 0, और 7 में से 9 नहीं जाने के, इधर हमने ले लिया स्टूडेंट, यहाँ कितने हो गए 17, 17 में से 8, 9 माइनस करके 8 बच जाएंगे जी, यहाँ रहेगी 0, 0 में से 3 माइनस नहीं होने के, इधर से 1 के ले लिए, यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 3 माइनस कर दिया 7 रह गया, और यहाँ रह गए थे 8, 8 में से 4 माइनस कर दिया 4। ओके स्टूडेंट, तो अब ये बच गया आपके पास, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे एक बार लगा के इसे लिख देंगे 4780। तो हमने लास्ट वाले भी कर लिए सोल्व, तो स्टूडेंट अब यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को एक मेथड के द्वारा और कर सकते हैं, है ना, जैसे हमने ये ऐसे किया, तो स्टूडेंट जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन था, हमने इन्हें ऐड कर लिया, अब हमारे पास दो डिजिट बची, मान लीजिए यहाँ से देखिए, अगर आप ये माइनस है, माइनस ये और जी -4395, तो स्टूडेंट अगर दो माइनस माइनस की डिजिट है, तो माइनस माइनस क्या होता है, अगर हम माइनस माइनस देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा जी 9 9 9 और 5, ये आ गया। ठीक है, अगर अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था, ये वाली डिजिट थी 10 0 7 7 9, अब इसे इसमें से माइनस कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस प्लस को इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें से पहले इसे माइनस किया फिर इसे माइनस किया, एक स्टेप बढ़ जाता है, 9 में से 9 गए 0, यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 गए 8। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ कितने रह गए 6, इधर 16 हो गए, 9 गए 7। अब स्टूडेंट यहाँ कितने रह गए थे 9 में से 5 गए 4। देखो आया ना ये आंसर, तो कोई से भी मेथड से कर लो आप, आंसर वही आना, दोनों मेथड सही है। ठीक है जी, अगर आप आपको ये ऐसा लगता है कि भाई आपकी समझ में नहीं आया कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस कैसे हो गए, फिर कैसे हो गए, तो आप इसी तरीके को रखें, पहले प्लस करें फिर माइनस करें फिर माइनस करें। ठीक है जी, तो ये हमने इसलिए बता दिया, कभी भाई कोई स्टूडेंट कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर कोई गार्जियन उन्हें दूसरे मेथड से समझा दे कि भाई आप कहो कि हमारे सर ने तो ऐसे बताया था, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ऐसे भी बताया था। ठीक है जी,
स्टूडेंट अब है सी वाला क्वेश्चन, इसमें भी यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ओके स्टूडेंट, प्लस लास्ट में है। तो स्टूडेंट हमारा नियम क्या है, पहले हम प्लस करते हैं, सबसे पहले जो भी डिजिट है उसे सेम की सेम लिखिए, लिख दी। अब प्लस वाली डिजिट को इसके चिन्ह सहित उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ओके स्टूडेंट, लिख दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसे अरेंज करना होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ओके स्टूडेंट, पहले ऐड करना, तो इस ऐड वाली को हम पहली डिजिट में ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो बच गई ना इधर लिख देंगे इस साइड, ठीक है जी। अब ये हमारी हमारा जो क्वेश्चन है बोर्ड मास के अनुसार कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों को ऐड करना, ठीक है जी। इन ऐड करने के लिए हम ये लिख लेंगे स्टूडेंट 100 5 6 0 2 3 7। याद रखें स्टूडेंट जब भी आप ऐड करें तो उन्हें जो सेकंड नंबर लिखना शुरू करेंगे तो उसे वंस की साइड से लिखिए, एक बॉक्स में एक लिखें ताकि ऐड करते हुए गलत ना हो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट बीच में लिख देते हैं भाई, ना तो ये 6 पे रहता ना 5 के रहता, और इसे इसमें ऐड कर देते हैं या इसमें ऐड कर देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। याद रखें वंस की डिजिट वंस में ही ऐड होगी, 6 7 3 7 1, तो ऐड हो गया जी। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 1 7 3 7 6। अब स्टूडेंट इतना हो गया, अब हमारे पास दो नंबर बच गए, इनके चिन्ह सहित लिखते हैं। पहले चिन्ह लिखा जाता है, उसके बाद उसके नंबर लिखा जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब क्या करना स्टूडेंट, देखिए आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, इन्हें प्लस करके जो इन दोनों का आंसर आएगा उसे इससे माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था बी में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसमें से ये वाली डिजिट माइनस कर लेंगे 5 2 3 6, ठीक है जी, माइनस कर लीजिए 1 5 0 1 1, तो क्या आ गया आंसर 1 1 0 5 1, ओके स्टूडेंट, हमने ये वाले सोल्व किया है ना। अब हमारे पास क्या बच गया, -3 2 6 1, तो इसे भी इसमें से माइनस कर लेंगे 7 6 2 और 3, ठीक है जी, माइनस कर लो। अब स्टूडेंट यहाँ 1 है 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 5 में से 1 के ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे जी, और 5 की जगह क्या रह जाएगा 4, है ना। अब 11 में से आप 7 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे 4, अब यहाँ रह गए 4, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, एक कैरी इधर से ले लिया 1 पे से 0 पे, यहाँ 10 हो गए, अब 10 पे से एक कैरी ले लिया, यहाँ से 14 हो गए, और यहाँ 0 की जगह 9 रह गया और यहाँ पे 0 रह गई जी। तो स्टूडेंट यहाँ कितने हो गए 14, और 14 में से 6 गए माइनस कर दिए 8, अब यहाँ कितने रह गए थे 9, 9 में से 2 गए 7, अब यहाँ कितने रह गए थे जी 0, एक कैरी इधर से ले लिया हो गए 10, 10 में से 3 गए 7, ओके स्टूडेंट, तो जी यह आंसर आ गया 7 7 8 4 आंसर, यानी कि 7784, ठीक है जी, ये आंसर आपका आ गया। तो आपको प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे बोर्ड मार्क्स के अनुसार अरेंज कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद भी उन्हें हम प्लस करेंगे,
फिर माइनस करेंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी प्लस नहीं है, है तो नहीं। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, जब इसमें प्लस ही नहीं है तो माइनस माइनस है, सब माइनस ही करने होंगे। तो स्टूडेंट ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले इसे अरेंज करना तो पढ़ने का ही नहीं, क्योंकि माइनस ही है। सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो करिए, टू थ्री फोर एट जीरो जीरो, थ्री फोर टू वन और सिक्स, ठीक है जी। अब इसे माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर टेन हो जाएंगे, टेन में से थ्री माइनस कर तो सेवन रह जाएंगे, और यहाँ रह गए नाइन जी, एक के लिए इधर चला गया था, नाइन में से फोर माइनस कर दिया स्टूडेंट, यहाँ फाइव रह जाएंगे, और यहाँ रह गए थे जी सेवन, क्योंकि हमने एट पे से तो इधर लिया था ना, सेवन में से टू माइनस कर दिया जी, यहाँ फाइव रह जाएंगे। अब फोर में से टू वन माइनस कर दिया, थ्री रह जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ थ्री है, थ्री में से सिक्स नहीं जाने गए थे स्टूडेंट, यहाँ पे थर्टीन हो जाएंगे, यहाँ वन रह जाएगा। तो थर्टीन में से हमने सिक्स माइनस कर दिया तो यहाँ सेवन रह जाएंगे जी। अब यहाँ वन है, वह यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ वन का वन रह जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा के आप इसे लिख देंगे, वन सेवन थ्री फाइव फाइव सेवन। तो स्टूडेंट इतना कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो डिजिट बची, इन्हें भी माइनस में लिख देंगे। ठीक है जी, अब इस वाली डिजिट में से इसे माइनस करना, तो लिख लीजिए यहाँ फाइव थ्री नाइन एट टू। तो स्टूडेंट सेवन में से फाइव माइनस कर दिया, टू आ गए, और फाइव में से थ्री माइनस कर दिया, टू आ गए। अब स्टूडेंट फाइव में से नाइन माइनस नहीं होने का, तो यहाँ कितने हो गए सिक्सटीन, और सिक्सटीन में से नाइन माइनस कर दिए, कितने हो गए जी सेवन। अब यहाँ हो गए, यहाँ पे इधर टू रह गए थे, यहाँ पे ट्वेल्व हो गए, ट्वेल्व में से एट माइनस कर दिए फोर। अब इधर एक चल गया था, यहाँ भी सिक्स रह गए थे, सिक्स में से टू माइनस कर दिए फोर, और वन के वन। स्टूडेंट एक बार आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं कि आपका सवाल सही है, फाइव और टू सेवन, थ्री टू फाइव सेवन और नाइन। स्टूडेंट ये गलत है, देखिए सेवन और नाइन सिक्सटीन हो, तो यहाँ पे फाइव आना था और सिक्सटीन आ रहा, तो गलत हो गया यहाँ, है ना। तो इस तरह हम अगर हम चेक करें तो हमें अपनी गलती जल्दी फाइंड हो जाए, और पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने होते हैं, फिफ्टीन हो गए थे जी, सिक्सटीन नहीं हुए थे। यही मिस्टेक थी कि हमने इधर 16 बोल दिया था, हमने यहाँ 15 नहीं बोला, 15 में से 9 गए, 6 बचेगी। अब देखिए 9 और 6 15 कैरी 1, और 8 8 और 4 12 कैरी, और 1 13 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 के 1। अब ठीक हो गए, तो हमने क्या सोल्व किया, ये वाला सोल्व किया, वन फोर फोर सिक्स टू टू। अब स्टूडेंट ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, अभी ये हमारे पास बचा हुआ है, अभी इसे जान लिया, अब इसे भी माइनस कर लेंगे जी, थ्री एट फोर सेवन।
तो स्टूडेंट देखिए ये वन था, ये वन यहाँ पे लिखना भूल गई थी, तो वन यहाँ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसे माइनस कर लीजिए, वन थ्री एट फोर सेवन, अब माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ कितने हो गए 12, नहीं यहाँ हो गए 2, 2 में से 1 गए 1, स्टूडेंट 2 में से 3 जाने के, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 3 माइनस कर दिया, कितने बचे 9, ठीक है जी। अब यहाँ 5 रह गए थे, तो एक के लिए 10 लिए, यहाँ 15 हो गए, 15 में से 8 गए 7, स्टूडेंट यहाँ 3 रह गए, 1 के लिए 10 ले लिया, 13 हो गए, 13 में से 4 माइनस कर दिए, कितने बच गए 9, ठीक है जी। अब यहाँ भी 13 रह गए थे जी, 13 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितने बच जाएंगे 6, ऐड करके देख लो कहीं स्टूडेंट गलती तो नहीं होगी, 1 1 2 9 और 3 12 कैरी 1, 7 1 8 8 16 कैरी 1, 9 और 1 10 और 4 14 कैरी 1, 6 और 1 7 7 14, ठीक है जी। तो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट डिजिट को ध्यान से उतारना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कोई डिजिट मिस हो जाती है, जैसे हमसी हो गई थी, ये 1 छूट गया था, मिस हो गया था, तो आंसर अगर ये छूटा ही रहता तो आंसर गलत आता, वो तो ध्यान पड़ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ई, स्टूडेंट सबसे पहले इसके चिन्ह देख लेंगे, क्या है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से है, पहले माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, ओके स्टूडेंट। इसमें प्लस आ गया, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ माइनस थे तो उन्हें अरेंज नहीं करना था, इसमें माइनस है प्लस है वो भी बीच में है, अगर शुरू में प्लस हो तो स्टूडेंट अरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले से अरेंज करेंगे 3 8 6 7 2, अब प्लस वाली डिजिट है ये है प्लस वाली डिजिट, तो इसे यहाँ पे ले आएंगे शुरू में 7 3, वन टू फाइव सिक्स, तो इसे इधर लिया स्टूडेंट, अब जो बच गई वे लास्ट में चली जाएंगी सारी, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमारा जो क्वेश्चन था ये अरेंज हो चुका है, ठीक है जी, पहले प्लस की आ गई, फिर माइनस माइनस माइनस, कितनी कितने नंबर थे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कोई नंबर मिस नहीं हुआ, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इन्हें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इधर 3 8 6 7 2 6 5 2 1, ठीक है जी, 6 और 2 8 हो जाएंगे और 7 5 13 हो जाएंगे और कैरी 1, तो स्टूडेंट ये 9 हो जाएंगे और ये भी 9 और ये 3, ठीक है जी, ये ऐड हो गया, ये रफ को रफ कार्य है जी आपका। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद में ये आंसर आया, तो इन दोनों के स्थान पे हमें ये लिख देंगे 3 9 9 3 8, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ तक हो गया था, अब हमारे पास ये डिजिट बची है, इन्हें भी लिख लेंगे -4 6 2 1 -73,
माइनस 328 और माइनस 17653 जी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमें क्या करना, अब हमें इस डिजिट में से वाली माइनस करनी है, 1 2 6 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 1 3 5 3, तो माइनस करने के बाद ये आ गया, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3 5 3 1 7, ठीक है स्टूडेंट। अब ये डिजिट खत्म हो गई क्योंकि ये माइनस हो गई, अब हमारे पास क्या बच गया, -7 3, -3 2 8 और -17653 ये रहेगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना, अब इसे माइनस करना, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, अब यहाँ 11 हो जाएगा, 1 में से 7 माइनस नहीं होने का तो 11 हो जाएगा स्टूडेंट, 11 में से 7 माइनस कर दिया 4 रह जाएगा, अब यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ 5 है और यहाँ 3, तो लिखो 3 5 2 4 4, ठीक है जी। अब यहाँ तक का ख़त्म होगा तो ये बच गया, आगे के लिख देंगे, स्टूडेंट इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब 3 5 2 4 4 में से 3 2 8 माइनस करना है जी, तो स्टूडेंट यहाँ 14 हो जाएंगे, यहाँ 3 रह जाएंगे, है ना। अब स्टूडेंट 14 में से आपको 8 माइनस करना, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो स्टूडेंट 8 से आगे 14 तक काउंट कर लो, 8 से आगे 9 10 11 12 13 14, अब देख लीजिए 3 और 3 6 6 बच गए जी। अब यहाँ पे 3 रह गए, 3 में से 2 गए 1, अब स्टूडेंट 2 से 3 माइनस नहीं होने के, यहाँ 12 हो जाएंगे, यहाँ 4 रह जाएंगे, अब स्टूडेंट 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 9 रह गए, अब यहाँ पे 4 के 4 3 का 3, स्टूडेंट ये दोनों हो गए, ये भी 16 हो गए, अब 3 5 2 4 4 -17653, ठीक है जी, तो इससे भी माइनस कर लीजिए। थ्री, अब यहाँ 1 है 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 9 में से 1 के ले लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 11 से 5 माइनस कर देंगे जी, 6 रह जाएंगे, और यहाँ रह जाएंगे 8 में से 6 माइनस कर देंगे, 2 रह जाएंगे जी, 7 में से 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 1 के लिए 3 में से ले लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे स्टूडेंट, 7 बच जाएगा, यहाँ 2 रह जाएंगे, और 2 में से 1 माइनस करके 1 बचेगा, ठीक है जी, और यही आपका आंसर होगा। आप स्टूडेंट इन्हें ऐड करके देख सकते हैं कि आपको माइनस सही हुआ है या गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब स्टूडेंट इसमें भी देख लीजिए, बोर्ड मार्क्स के अनुसार है क्या, पहले माइनस है स्टूडेंट और बीच में प्लस है, तो गलत है, तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, प्लस वाले को डिजिट को शुरू में लाएंगे, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे 2 1, इस वाली डिजिट को इसके चिन्ह से यहाँ ले आएंगे आगे, अब जो बच गई उन्हें स्टूडेंट बाद में लिख देंगे, ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, चलो स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं, 6 0 0 0 0
जीरो, फाइव जीरो थी, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अगर स्टूडेंट जीरो अधिक हो तो कभी कभी भूलवश कम एक आदि जो जीरो होते हैं मिस हो जाते हैं, इसलिए उन्हें काउंट कर लेनी चाहिए ताकि भूल लेना। अगर स्टूडेंट जीरो जीरो में से माइनस करना चाह रहे हैं, आप सभी संख्या जीरो है, लास्ट में कोई एक डिजिट है, तो स्टूडेंट लास्ट यहाँ पे तो टेन हो जाएंगे, बाकी सब नाइन नाइन होते हैं, याद रखें हमेशा। अब वन ही अच्छा लगा था स्टूडेंट, यहाँ फाइव रह गई। अब टेन में से फोर गए सिक्स, नाइन में से वन गए एट, और नाइन में से टू माइनस कर दिए सेवन, और नाइन में से थ्री माइनस कर दिए सिक्स, और नाइन में से फाइव फोर माइनस कर दिए फाइव, और स्टूडेंट यहाँ फाइव के फाइव। ठीक है, अब लिख दीजिए फाइव फाइव सिक्स सेवन एट सिक्स। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता भाई ये कंप्लीट हो गया, वे उसे दोबारा को रिपीट करते हैं, तो स्टूडेंट हमने ये अंडरलाइन किया ना, इससे आपको पता चलता रहता है कि भाई इससे आगे के जो अंडरलाइन नहीं है वे लिखनी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, फोर वन टू थ्री फोर, टू सेवन फाइव थ्री वन फाइव, तो अभी से माइनस कर लेंगे, फोर सेवन एट नाइन सिक्स, स्टूडेंट ये यहाँ प्लस था और हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो गलत हो गया, तो स्टूडेंट इसी में थोड़ा पड़ेगा। सिक्स जीरो 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 जीरो, ये भूल बस ऊपर वाला देखा गया स्टूडेंट, ये नहीं देखा नीचे वाला। तो नाइन फाइव वन टू, नाइन फाइव वन टू सिक्स, तो ये आ गया सिक्स टू वन फाइव नाइन। ओके स्टूडेंट, माइनस फोर थ्री वन टू फोर माइनस सिक्स नाइन एट सेवन फोर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब ये वाला माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसे इसमें प्लस था तो स्टूडेंट ये प्लस का चिन्ह है यहाँ, तो ये प्लस हो गया, अब ये माइनस होना, तो माइनस क्या होगा, फोर वन टू थ्री फोर, नाइन में से फोर माइनस कर दीजिए फाइव, फाइव में से वन माइनस कर दिया फोर, अब यहाँ कितना है जी वन, वन में से टू माइनस नहीं होने का, अलेवन हो गया, अलेवन में से टू गए नाइन, अब यहाँ भी वन हो गए, यहाँ भी अलेवन हो गए स्टूडेंट। अब अलेवन में से आपको थ्री माइनस करना है, तो स्टूडेंट कितने बचेंगे एट, अब यहाँ एक इधर चला गया था, यहाँ रहेंगे फाइव, फाइव में से फोर गए वन, एक बार ऐड करके देख लो, फाइव और फोर नाइन, फोर और वन फाइव, नाइन टू अलेवन कैरी वन, थ्री और वन फोर और एट ट्वेल्व कैरी वन, फोर और वन फाइव और वन सिक्स। ठीक है,
4, 7, 8, 9, 6 तो सर 1 बच गए, यहाँ 14 हो गए, 14 में 7 गए, 7 बच जाएंगे, यहाँ 8 में से 8 गए, 0 बच जाएगी, और यहाँ 18 हो गए, 18 में से 9 गए, स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसकी एक जीरो छूट गई थी, ठीक है जी। तो अब इसे दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे एक जीरो रह गई थी, इसमें स्टूडेंट 50 थी, यहाँ पे 4 लिखी गई थी, तो 9 में से 4 माइनस कर दिया 5, और 4 में से 5 में से 1 माइनस कर दिया 4, अब यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गई 9, अब यहाँ हो गया बीजी 11, 11 में से 3 माइनस कर दिया 8, अब स्टूडेंट यहाँ कितने रह गए थे 9 में से 4 गए 5, अब स्टूडेंट एक के लिए दो चला गया था, यहाँ भी 5 रह गए, ठीक है 5, 5, 8, 9, 4, 5, अब -6, 9, 8, 7, 4 तो 4, 7, 8, 9, 6 तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 में से 4 गए 1, यहाँ 14 हो गए, 14 में से 7 गए 7, अब स्टूडेंट यहाँ 8 रह गए थे, यहाँ 18 हो गए, 18 में से 8 स्टूडेंट यहाँ 8 रह गए थे, नीचे भी 8 है तो बराबर है, तो कैरी लेने की आवश्यकता नहीं है इधर, ठीक है जी। तो 8 में से 8 माइनस कर लो, 0 आ गई। स्टूडेंट यहाँ 18 हो गए, 18 में से 9 गए 9, अब यहाँ रह गए थे जी 4, और 4 यहाँ एक के लिए इधर ले लिया, 14 हो गए, 14 में 6 गए 8, अब यहाँ पे रह गए थे 4, तो 4 का 4 ये आंसर आ गया। स्टूडेंट एक बार चेक करके देख लेते हैं, कभी गलत हो, 4 और 1 5 और 7, 7, 14 कैरी 1, और जी 9, 8 और 1 9, 9, 9, 18 कैरी 1, और 9 और 6 15 कैरी 1, और 4 और 1 5, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट बाई ब्रेकिंग सब्ट्रेंड। स्टूडेंट जैसे प्लस वाले में क्वेश्चन था, उन्हें भी ब्रेक करके आपने किए थे, ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार होगा। तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन प्लस का था, बस ये माइनस का है, तो आपको क्या करना, सेम ऐसे ही जैसे वो क्वेश्चन किया था, इसके इसे आप एक्सपेंड कर लेंगे बाद वाले डिजिट को, ठीक है, और सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, चलो भाई इसका आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट पहले इन पर 1s 10 डाल लीजिए, 1s 10s 100 क्या कर रहा, 1s 10s 100 1000 1s 10 100 1000 10000 सोल ले। स्टूडेंट आप जानते हैं हमेशा वंस वाले डिजिट में से वंस वाले डिजिट माइनस करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब स्टूडेंट यहाँ है आपका 4 और यहाँ है 0, एक मिनट। तो स्टूडेंट हमने ये माइनस कर लिया, अब 10 में से हम 10 वाले डिजिट माइनस करेंगे, है ना, तो 4 में से 4 गए
जीरो। अब स्टूडेंट 100 से 100 प्लेस से 100 प्लेस माइनस करेंगे, ये भी जीरो है, जीरो है, तो जीरो में से जीरो गए जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 है 1000 प्लेस पर, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 10000 प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ जीरो आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे लैक प्लेस पर 1 है और इधर लैक प्लेस है नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो होती है, तो 1 के 1 ही आ जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम इसे ऐसे कर लेते हैं, तो इस प्रकार स्टूडेंट आपसे माइनस करना भी आ गया और इसका आंसर भी आपको पता चल गया साथ के साथ कि भाई इसका ये आंसर आने वाला है। अगर किसी कारण ये आंसर नहीं आता तो आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट इसका ये तो रफ कार्य था हमारा इतना, लेकिन अब जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से शुरू होगा। सॉल्यूशन ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 4 जीरो लगा दे, ठीक है जी। अब प्लस, अब 1 है, 1 का आगे कितने है 1 2 3 3 जीरो लगा दी, 1 2 3 4 स्टूडेंट यहाँ 4 जीरो थी, तो यहाँ 3 0 है, जीरो कम होती चली जाती है। अब ये जीरो है, जीरो को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम 4 वाले को लिखेंगे, 4 का आगे 1 0 है। अब प्लस 5, ठीक है जी। अब ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब स्टूडेंट मान के चले कि ये क्वेश्चन है, बस इसे आपको एक्सपेंड करना, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर ये सोचेंगे कि भाई पहले एक्सपेंड करो फिर माइनस करो फिर माइनस करो, तो आपको ये थोड़ा सा बोर फील होगा, है ना। तो आप ये सोच लीजिए सिर्फ एक ही से क्वेश्चन है, उसे हमने कर लिया, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म है कि भाई ये सही हुई गलत या गलत हुई, तो इन सबको जोड़ दीजिए, अगर यही आंसर आए तो सही है वरना गलत है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम, इन्हें माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर पर, 1 2 3 4 5 है ना। तो स्टूडेंट यहाँ 5 नंबर में, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 1 इधर रह जाओगे स्टूडेंट, ठीक है। अब ऊपर की संख्या सेम की सेम आ जाएगी, है ना। चलिए आप यहाँ पे माइनस करके देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ये आपकी रफ कॉपी है, तो आप स्टूडेंट इसमें से माइनस कर दिया, सही आया ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस वाले डिजिट को कर लिया, इसे माइनस कर लिया। अब आपके पास जो बची उन्हें सेम की सेम लिख लेंगे, तो स्टूडेंट हमें इसे इसमें से माइनस करना, देखिए स्टूडेंट बार बार हम यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करेंगे तो बार बार ही गलती होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब जगह माइनस प्लस को हटा के यहाँ माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मिस्टेक नहीं होने की, बार बार देखेंगे तो भूल बस बार बार गलती कर ही देंगे, है ना। तो
अब स्टूडेंट इन्हें दोनों को इन्हें माइनस करके ये आंसर आ गया, ये इतना होगा तो हमने ये वाला लिख दिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इसमें से 1000 माइनस करेंगे। तो ये रह गया जी, ठीक है जी, ये इन्हें माइनस करके ये आंसर आ गया। अब क्या बचा, जो अंडरलाइन नहीं है वही लिखना है। अब स्टूडेंट इसमें से आपने क्या माइनस करना, 40 माइनस कर दीजिए, 6001 01। अब स्टूडेंट हमने ये वाला कर दिया इतना, अब हमारे पास क्या बच गया, -5। तो जी कर लीजिए 101005, नहीं 6 में से 1 जाके 5 जाके 1 बचेगा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ 1 ही बच गया। तो जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब आप एक्सपेंड करते हैं तो शुरू में तो सब में प्लस के चिन्ह लगाएं, उसके बाद में स्टूडेंट जब आप सेकंड स्टेप करेंगे तो इन सब प्लस के चिन्हों को माइनस के चिन्ह में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर वन स्टैंड डाल लीजिए, वंस टेंस 100,000 और 10,000, वंस 10,100,000 और जी 10,000। ठीक है, वंस वाली डिजिट में से वंस वाली माइनस करेंगे, 2 में से 3 में से 2 माइनस कर दिए 1 आ गया। अब 10 वाली में से 10 वाली माइनस करेंगे, ये 5 है, 5 में से 1 गए 4। अब ये 8 है और यहाँ 7 है, 100 प्लेस का दोनों का, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। हमेशा स्टूडेंट सेम प्लेस में से सेम प्लेस ही माइनस होती है, याद रखें। अब 1000 पे यहाँ 4 है और यहाँ 1000 पे 3 है, 4 में से 3 माइनस कर दिए 1 आ गए। अब यहाँ 7 है, 10,000 प्लेस पे यहाँ 6 है, तो 7 में से 6 माइनस करके 1 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया, है ना। तो इससे हमें दो फायदे होते हैं, तो हमें इस प्रकार सब्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं स्टूडेंट, एक आंसर भी पता चल जाता है क्योंकि बाद में हमारा यही आंसर आने वाला। ठीक है जी, ये तो अब कार्य था, अब आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। सॉल्यूशन बी, 7,4,8,5,3 माइनस, है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना, एक्स ये 60,000 है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे 60,000 लिख देंगे, ये इसकी प्लेस है, 6 की प्लेस क्या है, 60,000। तो 1,2,3,4,0, एक एक जीरो कम होती चली जाती है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ 7 है, 7 के आगे 2 आ जाएंगी, देख लीजिए 700 है। अब एक जीरो कम हो गई, 10 हो जाएगा, तो स्टैंड 1 10 प्लेस पर 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है जी, ऐसे लिख लिए, हमारा एक्सपेंड हो गया। अब नेक्स्ट पे लिखेंगे 7,4,8,5,3 माइनस। ओके स्टूडेंट, अब हमें इस वाले डिजिट में से ये वाली माइनस करनी है। ठीक है जी, तो करेंगे कैसे करेंगे, 1,2,3,4 फाइव प्लेस पर 6 है, 1,2,3,4
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ सेवन है तो ये सिक्स है, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, वन, और बाकी सेम की सेम डिजिट आ जाएंगी। ठीक है जी, आप करके देख सकते हैं, इधर इधर कर लीजिए, सेवन फोर एट फाइव थ्री। सिक्स के आगे चार जीरो, वन टू थ्री फोर, थ्री फाइव एट फोर वन, देख लीजिए ये आंसर आ गया। अब जो अंडरलाइन नहीं है वे डिजिट लिखेंगे। स्टूडेंट अभी इन्हें सबको यहाँ पे माइनस कर दीजिए, नहीं फिर गलती होती रहेगी। ठीक है जी, अच्छा भाई ये तो हमने अभी एक्सपेंड किए थे ना, तो ये तो एक्सपेंडेड में ही दिखाने पड़ेंगे स्टूडेंट, ये नेक्स्ट वाली रो में ही करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे इन्हें सबको माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, जो एक्सपेंडेड फॉर्म जब एक्सपेंड करते हैं उस वक्त तो हम इन्हें प्लस में दिखाएंगे, जो नेक्स्ट रो होगी उसमें सबको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो हम इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, थ्री थाउजेंड, तो ये आ गया। तो स्टूडेंट हमने इतने को इसके इसे किया तो इसकी जिसकी इसकी जगह क्या आ जाएगा, वन वन एट फाइव थ्री। अब क्या बच गया, ये जो बच गया उसे यहाँ ले देंगे। ठीक है जी, अब इसमें से क्या माइनस करना, अब हमें ये करना स्टूडेंट, तो सेवन यहाँ लिखेंगे, थ्री फाइव वन वन वन, तो क्या आ गया जी, वन 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 फाइव थ्री। अब माइनस क्या करना, टेन और माइनस टू। ओके सर, अब माइनस टेन कर दीजिए, थ्री फोर वन वन वन। ओके सर, इसे माइनस करके क्या आ गया आंसर, वन 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 फोर थ्री। अब माइनस टू, माइनस टू कर दीजिए, तो यहाँ भी वन आ गया, फोर आ गया, वन वन वन। ओके स्टूडेंट, यही आंसर है, वन 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 फोर वन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट समझ में तभी आएगा जब आप अपने आप रफ कॉपी पे निकाल के देखेंगे, अगर ऐसे ही देखते रहेंगे बस सुनते रहेंगे, सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, दूसरा कार्य होता है सुनने समझने के बाद में रफ कॉपी लेके उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, अगर आपने खुद सोल्व कर दिया तो सवाल सोच लीजिए आपसे आगे करने, अगर आपसे मिस्टेक हो रही तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, तो दोबारा वीडियो देखें और फिर दोबारा सोल्व कीजिए। ठीक है जी, तो जी क्वेश्चन नंबर सी, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लैक, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और लैक। अगर स्टूडेंट चाहे तो ये तो रफ कार्य है, ये आप करें या ना करें, है ना, लेकिन इसे करने से गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब वंस में से
प्लस माइनस करेंगे, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो 8 में से 4 माइनस करके यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ 10 प्लेस पर 4 है, यहाँ 10 प्लेस पर 1 है, 4 में से 1 माइनस करके 3 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ 5 है, 10 प्लेस पर यहाँ 0 है। स्टूडेंट अगर आपसे ऐसे नहीं होते तो आप ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, तो 5 में से 0 माइनस करके 5 ही रहेंगे। ठीक है जी, 1000 प्लेस पर कितना है भाई, 1000 प्लेस पर यहाँ 3 है और यहाँ 1000 प्लेस पर क्या है, 2, माइनस कर दिया 1 आ जाएगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, है ना। आप जी 10000 प्लेस पर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 में 3 माइनस कर दिया 3 रहेगा, और यहाँ 7 है लेफ्ट प्लेस पर, यहाँ 6 है, 6 में से 7 में से 6 माइनस कर दिए 1 आ गया। ठीक है जी, ये तो आपका रब कर रही था, अब आपका सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। सॉल्यूशन सी, तो स्टूडेंट ये है अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। तो 6 लिखेंगे, 1, 2, 3 की भी 0 हो जाएगी, 2 की भी 0 हो जाएगी, 0 की 0 ही रहेगी, 1 की भी 0 रहेगी, 4 की भी स्टूडेंट 0 हो जाएगी। फिर 3 है तो 5 है तो 4 हो जाएगी, अब फिर 2 है या 4 है तो यहाँ 3 रह जाएंगी। अब स्टूडेंट यहाँ 0 है तो इसे छोड़ देंगे, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना, अब इन दोनों को हमें माइनस करना है। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस पे आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी 6 प्लेस पे है। तो स्टूडेंट दोनों में लैग लैग थे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 7 है यहाँ 6 है, तो 7 में 6 गए 1 बचा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और बाकी डिजिट सेम के सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हो गया, इन दोनों को माइनस करके ये आंसर आया, जो बच गए इधर लिख देंगे, ये तो हमने एक्सपेंड किए थे, अब इन्हें सबको माइनस में क्लिक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, सब जगह चिन्ह चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट 5 प्लेस पर 3 है और यहाँ 5 प्लेस पर क्या है 6, 6 में से आपने 3 माइनस कर दिया 3 रह गया, तो स्टूडेंट आपने ये वाला माइनस कर दिया अब यहाँ तक, है ना। अब क्या रह गया आपके पास, माइनस माइनस 10 माइनस 40। ठीक है जी, अब 4 प्लेस पर है, 1, 2, 3 4 प्लेस पर 2 है, 1, 2, 3 4 प्लेस पर यहाँ क्या है जी 2 है, अब 3 है, 3 में से 2 माइनस कर दिया 1 रह गया। तो स्टूडेंट ये हो गया। ठीक है जी, अब 2 प्लेस पर यहाँ 1 है, यहाँ 2 प्लेस पर 4 है, तो हमने 4 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ 3 रह गया, और 8 का 8। अब 1, 3, 1, 5, 3, 4 8 में से 4 माइनस कर दिए, तो स्टूडेंट
ये याद, आप आंसर मैच कर लीजिए, 1133115533 4। तो स्टूडेंट जो ऊपर लिखा है वो यह है ना, तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं होते तो आप ऊपर नीचे रख के भी माइनस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी। तो स्टूडेंट 11 स्टैंड डाल के पहले माइनस कर लेंगे, 8 में से 7 माइनस कर दिए तो 1 बच गया, 0 में से 0 गए 0, अब 2 में से 1 गया 1, अब 3 में से 1 गए 2, और 6 में से 3 माइनस कर दिए 3, अब जी 5 में से 4 माइनस कर दिए 1। तो स्टूडेंट ये आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है जी। अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डी, स्टूडेंट यहाँ से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये 4 है, 4 का 4 लिख देंगे, 3 की भी 0 हो जाएगी, 1 की भी 0, 1 की भी 0, 0 की 0 और 7 की भी 0, ठीक है स्टूडेंट। कितनी 0 आई, 5 0 आई, अब 3 के आगे कितनी आ जाएंगी, 4, 3 के आगे 4 आ गई और 1 के आगे 3, एक वन और है स्टूडेंट, इसके आगे 2, अब ये 0 है, इसे 0 को छोड़ देंगे, 7 रह जाए, 7 का 7। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना, सबसे पहले इन्हें माइनस करना। तो स्टूडेंट 6 प्लेस पे है 4, है ना, और इधर भी 6 प्लेस पे 4 है, 5 में से 4 माइनस कर दिए 1 आ गया, और बाकी यही सेम डिजिट नुक्की नहीं ऐसे ही आ जाती है जी टीज। ओके स्टूडेंट, अब ये कंप्लीट होगा यहाँ से, अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो इन सबको माइनस में ले लेंगे, 4 0 है, 1 के आगे 3 0 है, 1 के आगे 2 0 है, और प्लस स्टूडेंट इन्हें सबको माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये माइनस कर लिए सारे, तो अगर गलती नहीं होने ली। अब स्टूडेंट 1 2 3 4 5 प्लेस पर करना, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 प्लेस पर 6 है, यहाँ 3 है, 6 में से 3 माइनस कर दिया, 3 रह गए। तो स्टूडेंट यहाँ 1 है, 1 का 1 रहेगा, 3 का 3, 2 का 2, 0 का 0, 8 का 8, ठीक है जी। आपने इतना माइनस किया, अब ये बच गई, अब स्टूडेंट आप इसे माइनस कर रहे हैं, तो 4 प्लेस पर 1 है, और यहाँ 4 प्लेस पर क्या है जी, 3, अब 3 में से 1 गए 2 आ जाएंगे स्टूडेंट, और जो इधर डिजिट रहेगी वो भी सेम आएगी, जो इधर रहेगी वो भी सेम की सेम आ जाएगी। तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, अब माइनस सेम अब इन्हें कर रहे हो। तो स्टूडेंट 3 प्लेस पर यार 1 है, और 3 प्लेस पर यार 2 है, 2 में से 1 गए 1, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, 0 का 0, 8 का 8। अब स्टूडेंट 7 बच गया, इसे यहाँ लिख लेंगे, एट में से 7 गए 1। ओके स्टूडेंट,
अब देख लीजिए, 1 3 2 1 0 1, ठीक आ गया ना आंसर स्टूडेंट? ये इस प्रकार क्वेश्चन होना था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डी, तो स्टूडेंट इसे भी सोल्व कर लेंगे इसी प्रकार। यहाँ वंस प्लेस पर 5 है, यहाँ 0 है, तो 0 अगर 5 से 0 माइनस करेंगे 5 ही रहेगा। यहाँ 10 प्लेस पर 9 है, यहाँ 6 है, 9 में 6 के 3। यहाँ 100 प्लेस पर 9 है, यहाँ 8 है, 9 में से 8 गए 1। 1000 प्लेस पर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 1 में से 0 माइनस करके 1 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करके 1 ही रहेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 में से 2 माइनस करके 1 ही आ गए। ओके स्टूडेंट, आप 1 स्टैंड डाल के जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया उस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसका सोल्यूशन ले लीजिए। सोल्यूशन ई, 3 2 1 9 9 5 -2 1 0 8 6 0 2 1 9 9 5 माइनस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वाले डिजिट को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी, 2 का 2 ही, बाकी सब 0, सारे डिजिट जो भी लिखी 0 हो जाएगी। 1 की 0, 0 की 0, 8 की भी 0, 6 की भी 0 और 0 की 0। तो स्टूडेंट कितनी 0 आई, 5 0 आई, तो 1 के आगे कितनी आ जाएंगी, 4। एक 0 कम होती चली जाती है, तो स्टूडेंट आगे 0 है तो 0 को छोड़ देंगे, 8 को लिखेंगे। 8 के आगे 1 2 2 डिजिट है, तो ये आ गया, और 6 से आगे 60 है। तो स्टूडेंट वंस पे 0 है, तो वंस की 0 हम नहीं लिखेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हम इन्हें माइनस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 3 में से 2 माइनस करने, तो क्या रह गया, 1, और ऊपर की सेम के सेम डिजिट सेम ऐसे ही आ जाएंगी। अब ये तो हमने सोल्व कर लिया, ये बच के ये लिख लेंगे, स्टूडेंट इनमें यहां सब में माइनस के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है जी, तो गलती नहीं होनेगी। अब 1 2 3 4 5 प्लेस पर देखना, 1 2 3 4 5 प्लेस पर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 माइनस कर दिए तो स्टूडेंट 1 ही रह गए, यहाँ भी 1 है, तो ऊपर की संख्या बाकी सब सेम की सेम आ जा, -800 -60। अब स्टूडेंट 1 2 3 3 प्लेस पर देखेंगे, 1 2 3 यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 9 में से 8 माइनस करके 1 रह गए, और बाकी इधर की भी डिजिट सेम और इधर की भी सेम, एज इट इज नीचे उतर जाती है। ओके स्टूडेंट, अब 10 प्लेस पर माइनस करना, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 10 प्लेस पर 9 में से 6 माइनस कर दिया, 3 रह गए, और इधर की भी सेम और जी इधर की भी सेम। आंसर मैच कर लीजिए, 4 बार 1 है और 3 5 है, तो ठीक है जी आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब इन्हें माइनस कर लीजिए, 9 में से 8 गए 1,
सिक्स में सिक्स गए जीरो, एट में से सेवन गए वन, फोर में से थ्री गए वन, और स्टूडेंट थर्टीन रहेगा ना, ये सेम का सेम आ जाएगा, है ना। अब सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। सॉल्यूशन एफ, तो ये थ्री है, यहां एक्सपेंडेड कर ले, एक्सपेंडेड फोर में चेंज कर लेंगे ना पहले, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ओके स्टूडेंट, अब इन्हें माइनस करना है, वन टू थ्री फोर प्लेस पर, वन टू थ्री फोर प्लेस पर क्या है, यहाँ फोर है जी, यहाँ थ्री है, फोर में से थ्री गए वन, तो थ्री का थ्री ऐसे आएगा, ये भी वन का वन ऐसे आ जाएगा, आठ छः नौ, ठीक है जी। अब यहाँ तक का कंप्लीट होगा। अब माइनस सेवन हंड्रेड, माइनस सिक्सटी और माइनस एट, अब वन टू थ्री, वन टू थ्री, एट है, एट में सेवन गए वन, तो इन्हें सोल्व कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ सिक्स है और यहाँ भी सिक्स है, तो जीरो हो गए, नाइन में से एट गए वन। तो स्टूडेंट मैच कर लीजिए आंसर, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, सब्ट्रैक्ट बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब स्टूडेंट देखिए, जो बाद वाली ये डिजिट है इसमें हमें ऐसी कोई डिजिट ऐड करनी जिससे यहाँ टेन होके जीरो हो जाए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम सेवन में कितना ऐड करेंगे हमें जीरो प्राप्त हो जाए, तो स्टूडेंट थ्री में अगर हम सेवन ऐड करेंगे तो टेन हो जाएगा, है ना, तो इसमें भी टेन और इस वाले में भी। तो स्टूडेंट जो बाद वाला नंबर है हमारा, इसमें ही हमें ऐड करना है, ठीक है जी, और जो इसमें हम ऐड करेंगे वो इसमें ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट हम बाद वाली में देखेंगे, तो हम इसमें हम जीरो प्राप्त करने के लिए हमें थ्री में सेवन ऐड करना होगा, इतनी बात तो हम जानते हैं, है ना। ये स्टूडेंट टेन में से ऊपर वाली डिजिट को माइनस कर दीजिए सब में, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में टेन में से माइनस कर दीजिए जो भी लिखा होगा, तो आपको पता चलगा सेवन आगा। तो स्टूडेंट हमें सेवन ऐड करना, ठीक है, तो हम इसमें इसे ऐसे कर लेंगे थर्टीन, इसे थर्टीन टू फाइव सेवन प्लस सेवन। ओके स्टूडेंट, हमने इसमें भी सेवन ऐड कर दिया। अब इन्हें ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि इनमें माइनस का चिन्ह आएगा ना, ट्वेल्व नाइन नाइन थ्री प्लस सेवन। ओके स्टूडेंट, ऐसे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, इन्हें भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए सेवन और सेवन कितने हो गए, फोर्टीन और फाइव वन सिक्स, ये आ गया, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपके सेवन में थ्री ऐड करेंगे कितनी आ जाएगा, जीरो, और नाइन में वन ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो, नाइन में वन ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो, और टू में वन ऐड करेंगे
थ्री और वन का वन। तो ये आ गया। ओके स्टूडेंट, अब जब भी जीरो जीरो होते हैं उन्हें हम उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है जी। अब तीन जीरो है स्टूडेंट, अब ये नीचे है ये ऊपर है, देख लीजिए आप। हम ऊपर नीचे रख के इन्हें माइनस कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो 13 में से 13 माइनस हो जाने, जीरो आ जाएगी और ये रुक के नहीं बच जाएंगे। तो आ गया स्टूडेंट आंसर, है ना। तो आप रख कॉपी पे ऊपर नीचे रख के भी करके देख सकता है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए, 10 में से आपने 9 माइनस कर लिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 ही इसमें ऐड होगा, 1 ही इसमें ऐड होगा। 16 9 8 5 4 प्लस 1 9 9 9 9 प्लस 1, तो जी 16 9 8 5 और 4 और 1 5 माइनस। स्टूडेंट अगर किसी भी डिजिट में 1 माइनस कर रहे तो सब जीरो में बदल जाते हैं और 1 उनके सामने लगाते हैं, कितने हैं 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट जो भी जीरो है जीरो में ये डिजिट ऐड करेंगे तो सेम के सेम आएगा। तो 1 2 3 4 5 प्लेस पर 1 है, 1 2 3 4, 5 प्लेस पर 6 है, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, 16 था यहाँ और बाकी डिजिट स्टूडेंट सेम की सेम रहेंगी। ओ माइनस कर रहे थे ना हम, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, स्टूडेंट अगर बुक के वैसे तो क्वेश्चन ये सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें यहाँ पे एक 9 जो था वो मिस हो गया था, बुक में एक 9 और था, तो स्टूडेंट इसकी वजह से इसका आंसर थोड़ा गलत हो रहा था। तो हम यहाँ पे एक 9 और ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे एक 0 और ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये 6 नंबर पे 1 है और यहाँ भी 6 नंबर पे 1 है, तो 1 में से 1 गया 0 और ऊपर से अगर इनमें से आप 0 माइनस करेंगे तो सेम की सेम डिजिट आंसर रहेगी। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सी, तो स्टूडेंट यहाँ देख लेंगे, यहाँ 9 है 1 है तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 9। तो स्टूडेंट इसमें भी 9 ऐड करना, इसमें भी 9 ऐड करना, ठीक है जी। लिख लीजिए, पहले ब्रैकेट लगाइए, प्लस 9, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर ब्रैकेट लगाइए, 4 बार 9 और 1 प्लस 9, ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है जी। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, अभी हमने बोर्ड मार्क्स सिखाया था आपको। तो जी 9
और 8 कितने हो गए स्टूडेंट 17 कैरी 1 7 और 1 8 1 6 4 2 ये आ गए ठीक है जी ब्रैकेट सोल्व हो गए। अब स्टूडेंट 9 और 1 10 10 की 0 कैरी 1 तो स्टूडेंट ये सारे 0 0 हो जाएंगे चारों 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है जी। अब यहाँ लास्ट में 1 है और यहाँ के 1 और आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट अब देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे 2 है 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे 2 है तो 2 में से 2 माइनस कर दिया स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 0 और बाकी डिजिट सेम की सेम रहेगी। और ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया ठीक है जी। अब डी वाला देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ 8 है 8 में से हम 10 में से 8 माइनस कर देंगे 2 आ गया। ओके स्टूडेंट तो हमें इसमें पता चल गया 2 इसमें ऐड करने स्टूडेंट 2 इसमें ऐड करने सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट पर लगाएंगे 2 5 6 3 2 1 और कितना प्लस करेंगे 2 ब्रैकेट बंद कर देंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे 1 8 9 8 9 9 8 और प्लस 2 ठीक है जी। अब इन्हें ऐड कर लेंगे 25 63 2 और 2 और 1 3 ओके स्टूडेंट अब इन्हें भी कर लेंगे 10 हो जाएंगे 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 8 और 1 9 ये आ गए। ओके स्टूडेंट इन्हें ऐड कर अब ये 3 0 है और ये 3 प्लेस तक डिजिट है स्टूडेंट ये तो सेम के सेम रहेगी है ना आप इन्हें बराबर में माइनस करके देख सकते हैं। थ्री टू थ्री तो स्टूडेंट यहाँ 16 हो जाएंगे है ना 16 में से हमने 9 माइनस कर दिया कितने रह गए 7 अब यहाँ रह गए 4 यहाँ 14 हो गए तो स्टूडेंट 14 में से आपने 9 माइनस कर दिया कितने रह गए 5 और 1 इधर चला गया था यहाँ 1 रह गए तो यहाँ 0 बच गए ठीक है जी। तो आपका ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट तो ये रफ कार्य था आप इन्हें ऐसे करके देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर ई और एफ तो स्टूडेंट 10 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा तो इसमें स्टूडेंट 1 1 ऐड होना तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 2 8 4 3 1 7 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 1 5 बार 9 और प्लस 1 ब्रैकेट स्टूडेंट 2 8 4 3 1 7 और 1 8 ठीक होगा जी। अब माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब स्टूडेंट 1 प्लस करना तो जितने भी 9 होते हैं उन सबकी 0 हो जाती है जो नेक्स्ट डिजिट होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है तो स्टूडेंट 1 में हमने 1 ऐड कर दिया 2 हो गए यहाँ और 5 बार 5 0 आ जाएंगी
ठीक है जी। अब सिक्स नंबर पे टू है, अब यहाँ पे सिक्स नंबर पे टू है, तो टू में से टू माइनस कर दे, जीरो रह आगी, तो बाकी संख्याएं सब सेम की सेम होंगी, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसमें भी वन प्लस करेंगे तो टेन हो जाएगा, जीरो आ जाएगी, या टेन में से नाइन माइनस करेंगे वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें भी कर लीजिए, पहले ब्रैकेट लगाइए, थ्री के आगे फाइव जीरो, फाइव टाइम्स जीरो। ओके स्टूडेंट, इसमें प्लस वन कीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर ब्रैकेट, फाइव बार नाइन और प्लस वन, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसमें वन ऐड कर दीजिए, थ्री जीरो 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 और जीरो वन वन। ओके स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, अब माइनस कर दीजिए। अब वन माइनस कर रहे तो फाइव बार नाइन है, तो इन सबकी जीरो हो जाएगी, फाइव टाइम्स जीरो, और टू में वन प्लस कर देंगे थ्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लेस पर थ्री है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लेस पे थ्री है, तो थ्री में से थ्री माइनस कर दिया, जीरो हो गए। अब स्टूडेंट ये भी सब जीरो हो जाएगी, और वन में से अब जीरो माइनस करेंगे तो वन ही बचेगा, तो इसका आंसर वन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। Thank you.